तो दोस्तों आज जो लेटेस्ट अपडेट अफगानिस्तान से निकल कर आ रही है और रशिया की कही गई बात में अगर 5% की भी सच्चाई है तो ये चीज आप पक्का मान लो कि अमेरिका ये चीज कभी चाहता ही नहीं है कि मिडिल एशिया में जिसमें भारत चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं उसमें कभी शांति हो। और अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो अपने हथियार पीछे छोड़े हैं वो सारे प्लानिंग से छोड़े हैं ताकि इस रीजन में जो आतंकवाद है वो हमेशा पनपता रहे। और दोस्तों यहाँ पे ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की चीज इस कारण है क्योंकि अमेरिका ने भारत को जाने या अनजाने में बहुत सी मिसाइलों का टारगेट बना दिया है और जिस चीज के बारे में भारत को रशिया ने आगाह किया। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में बातें करें, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आप यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जिसमें लिखा है कि रशिया ने तालिबान के साथ किसी भी प्रकार के सैन्य संबंध स्थापित करने से साफ इनकार कर दिया और इसके साथ ही तालिबान को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों रशिया की एक संस्था है फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन जो दूसरे देशों के साथ रशिया के सैन्य संबंधों को देखती है, जैसे कि रशिया के दूसरे देश के साथ सैन्य संबंध कैसे होंगे, कौन से देश को हथियार बेचे जाएंगे। और हाँ दोस्तों यहाँ पे ये चीज याद रखना कि हम यहाँ पे सिर्फ सैन्य संबंधों की बात कर रहे हैं और जो कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक संबंध होते हैं वो अलग होते हैं। और दोस्तों रशिया की इस संस्था के डायरेक्टर हैं दोमित्री सुगेव जिन्होंने कल अफगानिस्तान और तालिबान से रिलेटेड कुछ चीजें रिवील की हैं जिसमें उन्होंने सबसे पहली चीज ये कही कि रशिया वो तालिबान के साथ कोई सैन्य संबंध नहीं रखेगा, मतलब ना ही तो तालिबान को रशिया कोई हथियार बेचेगा और जो हथियार है उनकी ना ही मेंटेनेंस करेगा, और कहा कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं। और फिर आगे दोमित्री सुगेव ने कहा कि और जो चीज है वो इकोनॉमिक टाइम्स के लास्ट पैराग्राफ में लिखी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में करीब 150 मिसाइलें पीछे छोड़ दी हैं और जिस चीज का अभी तक किसी को नहीं पता कि इन मिसाइलों को कौन कंट्रोल कर रहा है और ये इस वक्त तक किसके हाथ लग चुकी हैं, तालिबान या कोई और आतंकवादी संगठन। और उन्होंने इसके साथ ही इसमें ये ऐड करते हुए भी कहा कि इन मिसाइलों से दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला हो सकता है, यूरोप अमेरिका और यहाँ तक भारत तक पर भी। तो दोस्तों अब आप ये चीज सोचो कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में ये अपनी 150 मिसाइलें छोड़कर कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है और हमारे इस रीजन को किस प्रॉब्लम में धकेल दिया है। हाँ अमेरिका ने जो मिसाइलें पीछे छोड़ी हैं इनकी रेंज का तो अभी कोई पता नहीं है, पर ये जो आतंकवादी संगठन है ये इनको एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये बात अगर मीडिया में आ गई है तो रशिया ने इस चीज की जानकारी हमें काफी पहले ही दे दी होगी और इसी चीज के कारण में भी नरेंद्र मोदी और रशिया के पीएम के बीच इतनी लंबी बातचीत हुई थी। और अफगानिस्तान के बारे में तो अभी ऐसी पता नहीं कितनी बातें हैं जो अभी अंडरग्राउंड है और पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं और हमें जिनके बारे में अभी तक पता भी नहीं है। तो हम इस चैनल पे दोस्तों ऐसी चीजें पूरी तरह कवर हम इस चैनल पे ऐसी चीजें कवर करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ।